मन ही मन जपो और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा अब ध्यान करो भाई 15 मिनट, यहाँ मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रिया हो तो घबराएगा नहीं, 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। ले चलने वाला निरंतर कार्यक्रम जिसका नाम है गुरु सियाग सिद्ध योग मेडिटेशन और एक्सपीरियंस का, ये निरंतर चलने वाला कार्यक्रम। हम बहुत सारे साधक देश के कोनों कोनों से जुड़ते हैं। हमारा एक मेन उद्देश्य है कि ये गुरुदेव का दर्शन विश्व दर्शन हो, गुरुदेव के आदेश को पालन करते हुए। इस सेशन को हम लोग नियमित चला रहे हैं और चलाते रहेंगे। जैसा कि हमारे गुरुदेव का कहना है कि ये विश्व दर्शन होगा, उसमें हम सारे लोग उसी गुरुदेव के आदेश का पालन करते हुए इस सेशन को चलाते हैं। इस सेशन में गुरु भाई बहन अपनी अनुभूतियों को शेयर करते हैं, अपनी जिज्ञासाओं को रखते हैं, अपने प्रश्न को रखते हैं। एक ऐसा मंच है जिसपे आप, खुला मंच है, कोई भी साधक अपना इसमें अपनी बात रख सकता है। इसमें कोई मतलब कोई प्रतिबंध नहीं कि नहीं, जो नए साधक आते हैं उनको तो हम पहले ही बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, उनको पहले स्वागत होता है। जो नए साधक आते हैं, नई साधिकाएं आती हैं, नए गुरु भाई बहन आते हैं, और हमारे गुरुदेव के कथनानुसार इस सिद्धियों को हम लोग आगे भी ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे, करते रहेंगे। ज्यादा न बोलते हुए इस मंच को, इस कार्यक्रम को मैं शुरू करना चाहूंगा। और कोई भी अगर नए गुरु भाई बहन इसमें जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। वैसे कल हमारे भाटी जी बोल रहे थे कि मैं अपने परिवार को लाऊंगा। गुरु भाई जी, भाटी जी का स्वागत है अगर जुड़े हैं तो। अभी तक जुड़े नहीं है प्रेम सिंह जी, भाटी नहीं जुड़े हैं तो कोई दूसरे गुरु भाई बहन से अनुरोध है मेरा कि वो मंच को साझा करें, अपनी अनुभूतियां शेयर करें और अपनी बात रखें मंच पे, जो भी रखना है। जय गुरुदेव। भाई साहब, एक सगुन गुरु बहन है जो कल शायद आ नहीं पाई थी, वो आज है, इनवाइट कर सकते हैं उनको। जी सगुन जी का स्वागत है मंच पे। गुरु बहन आपका स्वागत है। सुगन नाम की आईडी से जुड़े, आपका स्वागत है मंच पे। जय गुरुदेव। मैं आपसे बस इतना जानना चाहूंगा कि आप कहाँ से हैं और शुभ दिन बताइए गुरुबहन की, मतलब आप गुरुदेव से कैसे जुड़ी, जुड़ने का मतलब क्या, वो कोई समस्या थी, कोई जिज्ञासा थी, जो भी मतलब आप उसको शेयर करें इस मंच पे। गुरुबहन हम गुरुजी से 9 साल पहले, कोई इश्यू नहीं हो तो कैमरा भी ऑन कर सकते हैं, अगर कोई इश्यू नहीं है तो कैमरा भी ऑन कर सकते हैं। कोई इश्यू ना हो तो मैं गुरुजी से 9 साल पहले जुड़ी थी। तब मैं 8th क्लास में थी, छोटी थी तब मैं। और कोई कोइंसिडेंटली पापा को एक अंकल मिले थे, पापा पठानकोट में ट्रांसफर थे, तो वो अंकल मिलने के बाद, वो भी शायद हैदराबाद में ही थे, क्या हिमाचल के थे वो अंकल, तो उन्होंने किन्हीं से पापा का परिचय कराया था। तो वो घर पर आके हमें कैसेट देकर गए थे गुरुजी की, उन्होंने कहा कि इतने आप जय गुरुदेव करके जाप करो, उसके बाद आफ्टर ऑल थर्सडे को आप मंत्र दीक्षा लेना। जी। तो हम लोगों ने थर्सडे को मंत्र जाप करना स्टार्ट किया था। हम लोग बहुत ज्यादा परेशान थे उस टाइम पे बेसिकली। फिर बहुत हमारा अच्छा लग था कि हम लोग को गुरुजी उस समय में मिले। फिर तामसिक शक्तियों के कारण हम लोग बहुत ज्यादा घिरे हुए थे। फिर
हम लोगों ने फिर बीच में जाप करना छोड़ दिया था, फिर थोड़ी और परेशानियां आ गई, बट फिर से गुरुजी का लेकिन गुरुजी ने हम इतनी कृपा की कि हम लोगों को खुद से दूर नहीं होने दिया, फिर अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी भी मेरे को गुरुजी सपने में दिखे थे, उन्होंने कहा खड़े हो जा अभी टाइम हो गया ध्यान करने का, तो मैं जब 7:04 पे मेरे को गुरुजी ने खड़ा कर दिया। अच्छी बात। फिर मैं आ गई, ज्वाइन किया ग्रुप, ध्यान करना स्टार्ट किया। फिर मैंने अपनी कोई पर्सनल अनुभूति बताए गुरबान, अगर आपको कोई ध्यान के दौरान चाहे अपने गुरुदेव से जुड़ने के बाद कोई ऐसा अनुभव हुआ है गुरुदेव से जुड़ने के बाद, तो उसको जरूर आप शेयर करें। नहीं नहीं मेरे को अनुभूतियां तो अभी तक कुछ नहीं हुई, बट अब जैसे गुरुजी मेरे को दिखते रहते हैं, सपने में दिखते हैं। अच्छा, सपने में गुरुदेव आते हैं। कभी भी कुछ भी परेशानी होती है तो ज्यादा ही मैं परेशान होती हूँ, तो कुछ चीजों को लेके सोचती हूँ, तो गुरुजी सपने में दिख के मेरे को हर चीज समझाते हैं। अच्छी और बात। फिर वो नॉर्मल हो जाता है, फिर बोलते हैं ज्यादा टेंशन मत करो, ध्यान जाके। पापा जी आपके जुड़े थे, उनको कोई समस्या थी तो उस समस्या का समाधान हुआ, और पापा जी की कुछ अनुभूतियां अगर हो तो भी आप शेयर कर सकती हैं, इतना तो आप जानती होगी पापा जी। पापा को तांत्रिक शक्तियां, हम चारों को थी। मेरे भैया आपको शेयर करना चाहेंगे। जी जी कराइए, करें। जय गुरुदेव। गुरु भाई जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना कैमरा ऑन करें ताकि सारे गुरु भाई बहन आप लोगों को देख सके। एक सेकेंड गुरु भाई। पहले तो आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरुदेव। हमारे सेशन की सबसे बड़ी खूबी यही गुरु भाई की जो भी नया साधक आता है, हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं और उनका धन्यवाद भी कहते हैं। कि जैसे हमारे सेशन का मकसद यही है कि ये जो गुरुदेव का सिद्ध योग है जन जन तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे। जैसे आज मैं प्रचार कर रहा हूँ इस सेशन के माध्यम से, कल को आप भी इसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। बिल्कुल। हमारे गुरुदेव का आदेश है कि एक व्यक्ति कम से कम 100 लोगों को बताए, तो इस श्रृंखला 100 से जब जुड़ेगी, 100-100 होगी तो करोड़ों में जाएगी। जी बिल्कुल सही बात है। अपने गुरुदेव है, अपने गुरुदेव का जितना प्रचार हो इस पृथ्वी पे बहुत अच्छी बात है। हम तो इतना चाहते हैं कि सिद्ध योग इस पृथ्वी पूरी सिद्ध योग में हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही, एकदम सही बोल रहे हैं आप। हमारा ये प्रयास है कि एक भी व्यक्ति धरा पे नहीं छूटना चाहिए सिद्ध योग की जानकारी के बिना। जी हम लोग भी यही सोच रहे हैं। हम लोग हैदराबाद में रहते हैं, जितना प्रचार कर सकते हैं अपनी तरफ से गुरु जी का उतना प्रचार हम लोग करते हैं। करते रहना चाहिए गुरु भाई जी, करते रहना चाहिए। ये तो प्रसाद है, गुरुदेव का प्रसाद है, आप जितना बांटेंगे उतना अच्छा इसका परिणाम मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरु भाई आप। जी शेयर कीजिए अनुभूतियों को, शेयर कीजिए। तो दो शायद हम लोग पठानकोट में थे, मेरे पापा आर्मी में काम करते हैं। जी जी। तो पापा की पोस्टिंग थी ये पठानकोट में उस टाइम पे, और उसी एक शायद एक या दो महीने पहले ही हमारी जो दादी माँ थी उनका देहांत हो गया था। जी जी। तो पापा थोड़े डिप्रेस थे कि एकदम से दादी एकदम हष्ट पुष्ट थी, वो पैरालाइज होके उनका देहांत हो गया था। पापा अपनी ड्यूटी वगैरह छोड़ के उनकी सेवा वगैरह करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन तामसिक शक्तियों की वजह से उनका ऐसे ये पैरालाइज हुआ और देहांत हो गया था। उसके बाद वही तामसिक शक्तियों ने, हम लोग हैदराबाद में रहते थे, पापा उधर पे पठानकोट में रहते थे, तो अकेले रहने के कारण की वजह से पापा के ऊपर उन शक्तियों ने हमला बोल दिया। जी। कभी उनको सपनों में दिखती थी, कभी कोई आदमी इधर से आवाज दे रहा है, इधर से पीछे से आवाज दे रहा है, ऐसे पापा को अनुभूतियां रहती थी। जी। तो क्या किया पापा, हिमाचल घूम रहे थे, कहीं यहाँ पे अपने कलकत्ता साइड में एक है, ये है ना कोई माता है जो कमाख्या माँ,
जी तो उधर पे घूम के आ गए कि कुछ ना कुछ ये मिले सोल्यूशन, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसी कृपा हुई गुरु जी की कि पापा के साथ में कोई अंकल ट्रांसफर हुए थे, तो उनसे हम लोग को गुरु जी का पापा को पहले मिला कि साहब ऐसे ऐसे बात है, अगर आप ज्यादा ही परेशान है। सन की बात बता रहे हैं हम, कब 2012 की बात है, 2012 जी। तो उसके बाद पापा को पहले गुरु जी का वो मिला, क्या बोलते हैं, मंत्र मिला, और उसके बाद यहाँ पे हैदराबाद में अपने राजस्थानी रहते हैं उनके थ्रू हम लोग को गुरु जी की तस्वीर मिली और ये गुरु जी की सीढ़ी मिली मंत्र की। हाँ, बहुत बढ़िया। घर पे आके देखे गए थे वो, तो वो लोग गुरु भाई भी बहुत अच्छे से श्रद्धा से यहाँ पे ध्यान जाप करते। उसके बाद हमारे अंदर परिवर्तन आया, जैसे ही हम लोग मंत्र जाप और ध्यान करना शुरू किया था हमने, मैं भी पढ़ाई में बहुत कमजोर था एकदम से, फिर मैंने भी अपने, क्योंकि दादी का देहांत हुआ था, ये सब के प्रोसेस में हम लोग, हमारी पढ़ाई नीचे दब गई थी। गुरु जी का मंत्र जाप ध्यान करने से हम लोग मेरे 80% आए थे उस टाइम पे। बहुत बढ़िया। और उसके बाद जैसे कृपा बरसती है ना, कृपा होती नहीं गुरुदेव, कृपा बरसती है जब साधक ध्यान करता है और नाम जप करता है, नाम जप ही तो चाबी है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। जी बताइए गुरु भाई, कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद हम लोग बीच में ध्यान जाप छोड़ा, क्योंकि पापा को ये दांतों में दर्द होने लग गया, तो पापा ने बोले क्या है क्या नहीं करके ध्यान जाप उधर से छूटना शुरू हुआ, धीरे धीरे कम करते करते ध्यान जब बिल्कुल छूट गया था, मतलब जैसे ही पापा ने छोड़ा, जैसे पापा ने शुरू किया था पापा से ही हमने शुरू किया, पापा ने छोड़ा तो हमने भी धीरे धीरे छोड़ दिया। आपका तो आप लोगों का भी छूट गया जी। तो परिस्थिति ऐसी हुई कि बहुत ही ज्यादा समस्या आने लगी इधर उधर से, और क्या बोलते, पापा को एक जीव के अंदर छोटा सा छाला हुआ था, जीव के अंदर जैसे वो छाला हुआ उसने कैंसर का रूप लेना शुरू किया। तो इसी साल में हम लोग को 2021 में मई में हम लोग को पता चला कि ये MNG हॉस्पिटल है यहाँ पे हैदराबाद में, सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पे बायोप्सी करी गई, क्योंकि ध्यान जाप छूट गया था, वही तामसिक शक्तियों का असर फिर से शुरू हुआ जी। और इधर से कुछ उल्टे सीधे सपने वापस शुरू हुए, क्योंकि गुरु जी के क्या था, पापा के फोन में पहले आवाज चलती रहती थी, सारा इधर पे लैपटॉप में चलता, सब कुछ बंद कर दिया था हम लोग, इधर उधर के मतलब ये जादू टोना वाले जो रहते हैं ना, उनके संपर्क में ज्यादा घुस गए थे, वो हावी हो जाते हैं, जैसे गुरुदेव का साठ छूटता है तो तामसिक शक्तियां हावी हो जाती है, और गुरुदेव कहते हैं कि मेरा मंत्र जपते रहो कोई हावी नहीं होगा, मैं ही हावी रहूंगा बस। हाँ, लेकिन गुरु जी की शक्ति ऐसी है, बेटा तुम लोग को जहां घूमना घूमो, लास्ट में तुमको मैं ही काम आऊंगा। सही बोल रहे। सारी जगह के चक्कर काट लिए, जादू टोना, ताबीज बांधने वाला, मेहंदीपुर बालाजी, एक डॉक्टर हनुमान है मध्य प्रदेश में जो कैंसर ठीक करता है, उधर पे सारी जगह पे घूम लिए, ये एक करौली सरकार है इधर पे भी कानपुर साइड में जी। इधर उधर धक्के खाने के बाद फिर एक ये पापा गांव जा ही रहे थे, तो मैं बोला एक बार एक काम करना, गुरुजी के इधर पे होके आ जाना, जोधपुर जाके आ जाना, क्योंकि आप गाँव जा ही रहे हो। तो उस टाइम तक इनका कैंसर शायद स्टेज 3 में, क्योंकि जीभ के अंदर दिख रहा था कि पूरा फैल गया था। तो इधर पे ये जाके आए गुरु जी के पास, उधर इधर पे खाना बंद हो गया था इनका, और थोड़ा सर में दर्द शुरू हो गया था। तो जोधपुर जाके आए, उधर पे पापा ने शायद कुछ खीर और समोसे खाए थे पहली बार जब से वो कैंसर शुरू हुआ था, घर पे खाना बंद हो गया था, जीप से खाना बंद हो गया था बिल्कुल। उधर पे जाने के बाद गुरुजी के दर्शन करने के बाद पहली बार पापा ने समोसे और उधर पे
कुछ खाया है, खिचड़ी वगैरह, तो उसके बाद भी क्योंकि वो सर में दर्द फैल गया था, पूरा फैल गया था इधर उधर, पापा को उधर पे भी अजफा लग गया था और क्या बोलते हैं आंसू बहते थे जैसे ही नाच सुनाई देने लग गई थी, लेकिन इन्होंने गुरुजी से प्रार्थना की नहीं वे को अजफा नहीं चाहिए और नाच नहीं चाहिए, तो बंद हो गया उधर क्योंकि सोने नहीं देता था ना वो अजफा जाप। अरे भाई साहब ये तो बहुत इनवी चीज है, चलिए ठीक है, तो गुरुदेव से प्रार्थना करके आपने पापा ने बंद करवा दिया, लेकिन बहुत ऊंची चीज है ये नाद और अजपा। लेकिन ये इनको पता नहीं था कि कैंसर, क्योंकि एक भरोसा था कि होने नहीं देंगे गुरुजी, लेकिन मंत्र जाप नहीं कर रहे तो गुरुजी क्या करेंगे सच में। हाँ, तो वो अंदर ही अंदर बीमारी फैली और फिर 2021 में मई में हमने इनका चेकअप कराया तो बायोप्सी किया, डॉक्टर ने बोला ये स्टेज 3 एडवांस का कैंसर जो जीभ में होके रखा है, स्ट्रिपस ऑफ क्रोमा करके उस कैंसर का नाम था, स्पेसिफाइड कैंसर है। लेकिन तामसिक शक्तियों का इतना प्रभाव था उस टाइम पे भी जाप नहीं करने दिया था, चिल्लाते जैसे ही मंत्र जाप और ध्यान करने के लिए बोलेंगे तो घर में कलह एकदम से शुरू हो जाता था, क्यों तू मेरे को किस लिए बोल रहा है, कौन है तू बोलने वाला, तू छोटा बच्चा है अभी, तेरे को क्या पता है इस चीज के बारे में, मेरे को तो कैंसर हो ही नहीं सकता, मेरे गुरुजी हैं। मैं बोला आप मंत्र जाप करना शुरू करें, आपको गुरुजी तो साथ में है ही, मंत्र तो जाप करना शुरू करो, क्योंकि गुरुजी ने ये बोल के रखा है कि जो मंत्र जाप करेगा उसको मैं मरने नहीं दूंगा, कैंसर या हो या एड्स हो कुछ भी हो। तो पापा ने, मैं गांव से भैया वगैरह को बुलाया, धीरे धीरे मंत्र जाप करना शुरू हुआ और शायद नवंबर में इनका एंडोस्कोपी हुआ है जीभ का, अंदर तक भी हुआ और सामने जीभ का भी हुआ, तो स्टेज 4 से आज कैंसर नहीं है, कैंसर नहीं है पापा। बहुत अच्छे भाई साहब, बहुत अच्छे, यही तो है गुरुदेव के मंत्र का पावर जी, स्पेशली बोलते हैं कैंसर और एड्स वालों को कि अगर आपके शरीर में सांस है तो मैं आपको मरने नहीं दूंगा, ये मंत्र आपको मरने नहीं देगा, आप किसी के पास मत जाओ। डॉक्टरों ने एक भैया और पापा को बाहर भेज देते थे, जैसे ही रेडिएशन होता था सीधा ऐसे बोलते थे आपके पापा सिर्फ 1 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहेंगे, इनका कैंसर ठीक नहीं होगा। आज दूसरा डॉक्टर हमने चेंज किया, उस दूसरे डॉक्टर ने दोबारा वो उनका चेकअप किया क्या है क्या नहीं, अभी एकदम बिल्कुल स्वस्थ बताया और उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर है। बहुत बढ़िया, बस अभी ट्यूमर बाकी है, वो ट्यूमर अभी जैसे ही गुरुजी का और जाप ध्यान करेंगे वो भी ठीक हो जाएगा गुरुजी का। अब 4th स्टेज से 0 स्टेज पे आ गया तो ट्यूमर भी तो गल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बस नाम जब चाबी को पापा जी को बोलिए को न छोड़े और नियमित ध्यान करते रहें। गुरु भाई जी आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जो साधक आपके सामने बैठकर आज एंकरिंग कर रहा है, 2005 में मैं एचआईवी पेशेंट था। अच्छा, 2005 में मुझे एचआईवी हुआ था और गुरुदेव के माध्यम से मैं आज मैं दुनिया में जी रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, गुरु जी कृपा जी, मुझे भी डॉक्टर ने बोला था कि 2005 आप क्रॉस नहीं कर पाओगे, 2006 क्रॉस कर 5 कर जाओ तो कर जाओ, 6 नहीं क्रॉस कर पाओगे, लेकिन 2021 भी बीत गया। यही तो अपने गुरु जी की कृपा है, यही अपने मंत्र का मतलब यह है कि इसमें देखिए गुरुदेव से लाभ लेने का 3 तरीका, 1 तो नाम जप, दूसरा ध्यान, तीसरा प्रचार। अगर समर्पित भाव से साधक ये कर रहा है तो जीवन में उसके किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है, चाहे उसको आर्थिक समस्या हो, सामाजिक समस्या हो, शारीरिक समस्या हो, कोई समस्या नहीं रह जाती। जी जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। जब मैं गुरुजी का जाप ध्यान करता था तब मेरे को इतनी अनुभूति है कि गुरुजी ने मेरे को यहाँ से US पहुंचा दिया था। दुनिया की सैर कराते हैं, पूरे ब्रह्मांड की सैर कराते हैं गुरुदेव ध्यान के द्वारा, कहाँ कहाँ पहुंचाते हैं, लोगों के अनुभव सुनेंगे। गुरु भाई जी ना आप लोग नियमित सेशन जुड़ते रहिए और लोगों के अनुभव सुनिए,
सुनकर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसा भी होता है क्या। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। पूरे ब्रह्मांड सैर करवाते हैं गुरुदेव जी। मैं तो बोलता हूँ कि सिद्ध योग से जुड़ने वाला साधक किस्मत वाला होता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, किस्मत वाले। ये तो गुरुजी ने भी बोला हुआ है, जिसकी किस्मत होती है वही जुड़ पाता है, वही जुड़ पाता है। और गुरुदेव तो एक बार पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं, भले हम आपको तो छोड़ दें लेकिन गुरुदेव नहीं छोड़ते। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, गुरुजी ने ऐसी उंगली पकड़ के रखी है, गुरुदेव ने ऐसी उंगली पकड़ के रखी है, तुमको जहां जाना है जाके, एक बार ब्रह्म मिटाना होता है, जहां जाना जाके आ जाओ, अभी आखिरी में तुमको मेरे पास जाना है, मेरा ही मंत्र जप करना है तुम्हें। वही बात, सही बोल रहे हैं आप। हमारे गुरुदेव श्री सियाक साहब की कृपा जिस पे हो जाए तो उसका जीवन ही बदल जाता है, धन्य धन्य हो जाता है। और कोई अपनी पर्सनल अनुभूति हो तो आप शेयर कर सकते हैं गुरु भाई जी, नहीं तो मैं किसी दूसरे साधक को बोलूं। अनुभूति है, 2018 में मैंने गुरु जी से प्रार्थना की थी, गुरुदेव मेरे को है ना यूएस जाना है, यूएस देख के आना है। अच्छा, तो उधर पे मेरा वीजा लगवा दिया था गुरु जी ने। अरे और मैं उधर पे जब ड्यूटी करता था तो एक बड़ा सा पहाड़ था, हम लोग चढ़ते थे उधर पे, ऊपर नीचे करते थे। तो उधर पे जैसे हम लोग 6 लोगों का ग्रुप है तो एक साथ लाइन में जाएगा, लाइन में आएगा। उधर पे जो तामसिक शक्तियां थी, ये भूत प्रेत आप कुछ भी कह लीजिए, लोगों को मार के चले जाते थे, लेकिन आज तक मेरे ऊपर मेरे को दिखे भी नहीं क्या है, कौन है, किस तरह है। पास में नहीं फटकती, जब नाम का नशा आ जाता है तो तामसिक शक्तियों का तो पता ही नहीं चलता। बिल्कुल सही बोल रहे हैं गुरुदेव, बोलते हैं ना कि आपके शरीर में देवता भी है, दानव भी है। मैं देवता से दोस्ती करवा दूं, करवा दे रहा हूँ, परिचय करा रहा हूँ, दोस्ती आपको करनी है। हाँ, तो जब दोस्ती देवता से हो गई तो देवता तो आपकी रक्षा करेगा ही। बिल्कुल, दानव तो भाग जाएगा छोड़ करके। तो मैं अपने रूम में सो रहा था और मेरे बगल में एक जैसे चार चार का रूम रहता है, दो दो लोग सोते हैं, मैं सो रहा था। तामसिक शक्ति सबको परेशान करती थी लेकिन मेरे को नहीं करती थी। और एक दिन क्या हुआ, मेरे बगल में जो सो रहा था उनको गुरुदेव दिख गए, बोल रहे भाई एक लड़का आया, एक आदमी दिखा मेरे को, जूती पहन के रखा है, धोती पहन के रखा है और कमीज पहन के रखा है सफेद। मैं फिर सोचा अरे ये तो मेरे गुरुजी पहनते हैं, इनको कैसे दिखे। पता है गुरुदेव बोलते हैं कि नशा पड़ोसी की भी नहीं होगा, तो वही पता है ना कि जब चेतन शिष्य चेतना जाग जाती है मंत्र से तो उसका प्रभाव बगल वाले को भी पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसको तामसिक शक्ति ज्यादा परेशान कर रही थी, तो गुरुजी शायद उसको दिखे होंगे कि तुम लोग चिंता मत करो इधर पे, क्योंकि मैंने अपने रूम में गुरुजी का कैलेंडर जो रहता है उसमें जो तस्वीर रहती है वो टांग के रखी हुई थी। बहुत अच्छा लगा गुरु भाई जी, आपने मंच को साझा किया, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु भाई अगर अगर आपकी मदर भी पास में है तो उनकी भी अनुभूतियां सुनाइए। जी जी, उनको भी बुलाइए। और माता जी भी है शायद बगल में ही, सारे लोग है एक। मम्मी बहुत शाही है। अच्छा अच्छा, जय गुरुदेव। कोई बात नहीं, कैमरा गुरु बहन कैमरा ऑफ करके बोल देंगे अगर ज्यादा कोई है तो। मम्मी बोल रहे जोधपुर में डायरेक्टली मिलेंगे आप लोग, आप सबसे। नहीं कोई बात नहीं, उनको बोल दीजिए कैमरा बंद करके बोलने, कोई दिक्कत नहीं है। कैमरा मम्मी बोल रहे कि आमने सामने बात करना ज्यादा प्रिफर करेंगे वो, उनको बहुत शर्म आती है। नहीं इससे शर्माना किस बात का है, आपके पापा से बात करवा दो, पापा से, पापा भी तो होंगे ना। पापा एक सेकंड बाहर घूम रहे हैं वो, बुला लीजिए, बोल दीजिए कि सेशन से जुड़े हैं, आपको बुला रहे हैं लोग। जी थोड़ा सा आपको उनका ट्यूमर है ना उनके जीव में, तो आपको शायद लैंग्वेज उनकी समझ में ना आए, लेकिन थोड़ा प्लीज ट्राई करें। आप दिखाइए, दुनिया को दिखाइए, लोगों को दिखाइए, क्योंकि ये जो आपका टेलीकास्ट हो रहा है ना यूट्यूब पे भी जाएगा और करोड़ों लोग देखेंगे इसको। जी अभी मैंने AVS के जोधपुर से डायरेक्ट पूछा था, क्योंकि मेरे को क्या था कि डर था कि क्या होगा आगे, तो मैं सीधा AVS के से पूछा था
कि ऐसे ऐसे पापा को कैंसर है, हम लोग इस टाइम से जुड़े हुए थे, ऐसे जाप ध्यान छूट गया था, क्या करें। उन्होंने सिर्फ एक ही चीज बोला था, मंत्र जाप और ध्यान करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा जी। ये लीजिए पापा। जय गुरुदेव। सर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पे। आपके बारे में आपके सुपुत्र ने बहुत विस्तृत बता दिया है, अगर आपको कुछ और शेयर करना है तो आपका स्वागत है गुरु भाई जी। बस ये अपना जाप ध्यान से सबसे बढ़िया चाहिए, इन्हें दोबारा जन्म दे दिया गुरु जी ने, बहुत बढ़िया होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुरु जी शास्त्र स्तन ब्रह्म है, गुरु जी बस गुरु जी से रो रो के दोबारा मेरे अजी ले आजी ना चलो ना भाई तुम तो छोड़ दे सो, लेकिन फिर भी वो माँ बाप से उतना सब चल गया जी। सच में अभी कोई बीमारी नहीं है, अभी सिर्फ जो जीव में वो ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा एकदम। जैसे मेरी बीमारी की थी मगर ये बीमारी गुरु जी ने ले ली, गुरुदेव ने ले ली, गुरु जी ने ली, बस ये है परमात्मा, बस यही जैसे जनानाथ और गुरु जी इस सब से ये साथ साथ परम ब्रह्म है, इस सब से सोच नहीं है, मैंने सब सारी दुनिया में देख लिया। गुरुदेव करते हैं कि मेरा नाम जपो मैं मरने नहीं दूंगा, बस बुद्धि बीमारी से नहीं मरूंगा। मैं जब मैं पहले सुबह जब पहले जो सारे शाम समय मन प्रसन्न हो, जय से जो जय से जो आज ये स्वास्थ्य परिवर्तन चल गया था, लेकिन बाद में मैं बोले दिन रात जाप चल रहे हैं गुरु जी, मैंने तो बंद कर दिया वही स्वपन चलो, फिर धीरे धीरे गुरु जी ने समय से साथ चल दिया, फिर शब्द सीधा है उससे रास्ता बन गया, ऐसे पास पास पूजा छूट भी गया चल रहा हूँ, लेकिन गुरु जी तो मन से ना जाते बहुत पाक पूजा बहुत करते थे लेकिन मंत्र छोड़ दिया था। बाबा हनुमान का भोलेनाथ का सब चा आपकी बातें समझ में आ रही है लेकिन उतनी क्लियर नहीं समझ में आ रही, लेकिन कुछ आ रही है कि मतलब आप क्या ना कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक आप बोलते रहिए गुरु भाई, बोलिए बोलिए। तो यही बोल रहे हैं, सबसे पहले ये है गुरु जी जी सो सब गुरु जी जैसा कोई नहीं है, बोल रहे हैं कोई नहीं परम ब्रह्म दादा गंगा ही ना, तो गुरु जी एक ही बात है, जो शिव जी है जो राजा शिक्षण भगवान अभी क्या है शिव अवतारी है हमारे गुरुदेव कृष्ण अवतार है, बिल्कुल कल की अवतार है, धन्यवाद गुरुदेव ने रखा है। अभी जैसे ही पापा ठीक हुए हैं वैसे गुरु जी के समाधि पे जाके आए, दादा गुरुदेव के समाधि पे जाके आए हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया गुरु भाई जी, आप लोगों ने शेयर पूरे परिवार ने शेयर किया, बस माता जी सामने नहीं इसी बात की तकलीफ है। गुरु भाई बुलाइए, क्या है कि सब जोधपुर से नहीं है सब, गुरु भाई बहन क्या है देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़े हुए हैं, एवीएस के मतलब उनकी गाइडलाइन से प्रोग्राम चलता है, बाकी है अलग अलग जगह, बोले ना बोले कोई दिक्कत नहीं, सामने लाइए प्लीज। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई जी, आप क्यों झिझक रही है बोलने से दुनिया के सामने अपने आप को लाने से? गुरु जी ने बहुत अच्छा किया, बहुत हमारी प्रार्थना सुनी, दोबारा से जन्म दिया है गुरु जी जैसा। गुरुदेव बोलते हैं ना कि पहला जन्म माता पिता देते हैं और दूसरा जन्म देता है गुरु, जिससे दीक्षा लेकर के साधक द्विज रूप धारण करता है, दूसरा जन्म लेता है, दूसरा जन्म लेता है। गुरुजी गुरुजी है जी जी, वो तो देख देख वो हो जाता है, वो अपने आप हो जाता है, कड़कड़ में रोम रोम में गुरुदेव बस जाते हैं, और गुरुदेव के अलावा फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता जीवन में। एक बात और बोलूंगी, जब मॉरली सपोर्ट चाहिए था ना, मेंटली सपोर्ट, क्योंकि जब डॉक्टर ने ना सामने ही मुंह पे बोल दिया था कि एक साल से ज्यादा नहीं होगा और ये कैंसर क्यूरेबल ही नहीं है, सपने में आए, उन्होंने कहा टेंशन मत करो, अपने पास बिठा के हम चारों को, तब बोला टेंशन मत करो, नाम जप और ध्यान करो, सब ठीक होगा, सब ठीक हो जाएगा, और सब ठीक भी हुआ। आप लोग एक चैलेंज है, एक एग्जांपल है। हाँ बहुत बड़ा,
सीरियसली बहुत बड़ा। मैं खुद एक साइंस की हूँ, मैं खुद साइंस की हूँ, तो मैं भी सोच रही थी कि अरे कुछ नहीं होगा, बट गुरुजी के ऊपर फिर विश्वास आया, सब ठीक हुआ। सुनी होगी गुरुदेव बोलते हैं कि जहाँ पे विज्ञान समाप्त होता है वहीं पे अध्यात्म चालू होता है। हाँ, इनफैक्ट रात में ना पापा को ब्लड की वॉमिटिंग्स होती थी, एक क्लॉटेड ब्लड में आता था वो, तो मैं तो पहले सोची थी कि शायद ये गंदा खून निकल रहा होगा, लेकिन फिर ज्यादा होने लगा ना वो, फिर टेंशन आने लगी, तो फिर डॉक्टर से मैंने कहा, मैं डायरेक्ट डॉक्टर के कॉन्टेक्ट में थी, पहले तो एमएनजे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा था, फिर एमएनजे वाले से बायोप्सी कराने के बाद हम लोगों ने किम्स में ट्रांसफर हो गए, फिर किम्स में अच्छे एक्सपीरियंस डॉक्टर थे, तो उन्होंने बहुत अच्छा किया, गुरुजी की कृपा थी जो हम लोग को वो मिले थे, तो सब ठीक हो गया। जब वो शक्ति आपके शरीर में काम करने लगती है तो आपको सही डॉक्टर के पास लेकर जाएगी, सही दवाइयां दिलवाएगी, सब कुछ सही कार्य करवाती है वो शक्ति। लेकिन हाँ, जो एडवांस स्टेज थी ना वो क्यूरेबल की था ही नहीं, ऐसा बोल दिया था, क्योंकि मैंने हॉस्पिटल में भी काफी लोगों से बात की थी, तो सब लोगों ने बोला कि ना नहीं होगा ठीक, नॉर्मली पेशेंट से भी बात की थी, तो वो लोगों को ना यहाँ से जल गया था रेडिएशन करा कर आके, तो डॉक्टर ने क्या कहा था कि पापा बोलते कि सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो डॉक्टर ने कहा हम लोग यहाँ से पाइप लगाएंगे, पापा बोलते मैं पाइप नहीं लगवाऊंगा, मेरे गुरुजी हैं, मेरे को वही ठीक करेंगे, फिर पापा को उल्टियां स्टार्ट हुई, रुई निकली उसमें से, और पापा को फिर नॉर्मल ब्रीथिंग काउंट नॉर्मल हो गई, फिर नॉर्मली ब्रीथ करने लगे। आप लोग फिलहाल रिसेंट एकदम ताजा उदाहरण है, एकदम बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी नवंबर में ही क्यूर हुआ है, डॉक्टर ने जो फोर्थ स्टेज बताई थी, स्टेज थ्री थी जब हमने इनका पापा का बायोप्सी वगैरह करवाया था, एडवांस स्टेज थ्री, जैसे ही वो ट्रीटमेंट जैसे ही शुरू हुआ वो स्टेज फोर हो गया था। मेरे पास अभी भी पेपर्स है, मैं पेपर्स भी दिखा सकता हूँ। भाई साहब, जय गुरुदेव, भाई साहब जय गुरुदेव, भाई साहब एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि ये बड़ी ही अच्छी हर्ष का विषय है कि मतलब इतना रिलैक्स हुआ है, स्पेशली कैंसर के अंदर आजकल ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कैंसर बहुत ज्यादा फैला हुआ है, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पापा के जितने भी पेपर्स हैं, जितनी भी आपने प्रीवियस रिपोर्टिंग करवाई हुई है, रिपोर्ट करवाई है, उनको बिल्कुल एज ए हिस्ट्री रख ले उनको आप, और फिर जैसे जैसे पापा इम्प्रूव होंगे, ठीक होंगे, उसकी अपन एक केस स्टडी बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि मल्टीपल लोगों को जो इस चीज से गुजर रहे हैं बेचारे, उनको विश्वास और बढ़ेगी, नहीं कैंसर भी ठीक हो रहा है, हम भी हो सकते हैं, हमारे अंदर कहीं ना कहीं कमी होगी, हम इसको और इम्प्रूव करें। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा भाई कि अपनी हिस्ट्री को बिल्कुल बना के रखें और सेफ रखें उसको, ताकि जब समय आए, वक्त आए, तो अपन उसको एक अच्छे से केस स्टडी बना पाए डॉक्टरों की हेल्प से। बिल्कुल, मैंने एक एक पेपर बिल्कुल संभाल के रखा हुआ, क्योंकि मेरे को अपने गुरु पे भरोसा था कि मेरे गुरु ही ठीक करेंगे इसको, एक एक पेपर संभाल के रखा है मैंने। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, क्योंकि मैंने भी वो दिन देखा है, क्योंकि मैं भी बीमार व्यक्ति था 2005 में, और मेरी हालत तो बड़ी नाजुक थी, लेकिन जब साधक ठीक हो जाता है और दूसरा साधक जब ठीक होता है और उससे बातें होती तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग मौत के मुंह से जाकर वापस आए हैं। बिल्कुल, मैंने पापा को यही चीज दिखाई थी कि बहुत सारे अपने जो गुरु भाई है, कितने लोग HIV एड्स, मैंने इंटरनेट पे पापा को दिखाया था, ये इनक्योरेबल है, फिर भी गुरुजी के मंत्र से, ध्यान से, फोटो की तस्वीर से ठीक हो जा रहा है, ये तो आपको फिर भी कैंसर ही हुआ है। पापा ने एग्जांपल हो ना, सामने मैंने बताया ना 2005 में मुझे बोल दिया डॉक्टर की 2005 शायद आप क्रॉस कर जाओ, 6 नहीं क्रॉस कर पाओगे। जी कहाँ गया वो HIV, वो तो ब्लड ब्लड संबंधित बीमारी है, वो तो रोम में
बसता है, कैंसर चलिए शरीर के पार्ट में होता है, लेकिन HIV एक ऐसा रोग है कि वो पूरे ब्लड में फैलता है जी, वो तो मार डालता है, पूरे बॉडी को मार डालता है। बिल्कुल यही चीज गुरुजी बताते हैं अपने स्पीच में कि पांच छह साल में कैंसर वाला चले जाता है और 6-7 साल में HIV वाला चले जाता है, जिसको मंत्र नहीं मिलता। जी जी बिल्कुल सही बोल रहे वही। तो मैंने सारे पेपर्स एक तरह पूरे एक फाइल में बिठा के रखे हुए हैं, कर रखे हैं गुरु भाई, हो सकता हमें भी उस पेपर की जरूरत पड़े, आपसे संपर्क करेंगे, आप उसको देने का प्रयास कीजिएगा। जय गुरुदेव जी, हो सके तो वो पेपर कर ली आप। जय गुरुदेव जी, गुरु भाई, जय गुरुदेव गुरु भाई, जी गुरु भाई, उसका थोड़ा सा मेरी मम्मी को भी प्रॉपर केस स्टडी बना के, प्रॉपर केस स्टडी बना के पब्लिश करेंगे गुरु भाई, तो ज्यादा अच्छा रहेगा सबके लिए, ज्यादा सहायक रहेगा। हाँ प्रेरणा, मैं इधर पे भी अपने पेपर्स, ये पापा के पेपर्स पूरे लगा के MNG हॉस्पिटल, ये इन सभी जगहों पे प्रचार करने की सोच रहा था कि जो जो कैंसर के मरीज हमने खुद देखे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, कैसे उन लोगों को कीमो चल रहा है, रेडिएशन चल रहा है, बहुत लोग बहुत परेशान है, तो गुरु जी का प्रचार उधर पे करूँ बताइए, और उनको अपने पापा वाली रिपोर्ट दिखाइए। बिल्कुल देखिए इस समय गुरु भाई एक एक पोजीशन थी और आज ये पोजीशन है जी। बिल्कुल चौहान जी, गुरु भाई जी कुछ कहना चाह रहे हैं गुरु भाई जी। हाँ जी, हमारे रेलवे में मेरा दोस्त है, रेलवे में था, रिटायर हो गया 5 साल पहले, अभी उसको एक हफ्ते पहले ही ब्रेन ट्यूमर में 4th स्टेज का कैंसर घोषित किया है, और वो मोमडन है, उसको मैंने बोला कल जाऊंगा उसके पास, तो उसको किस तरह से बताऊंगा, मोमडन है, उसे करने में भी कुछ प्रॉब्लम आएगी, इसमें जाति धर्म तो कोई मतलब ही नहीं गुरु भाई जी, नहीं है, लेकिन मैं कल उसे समझाऊंगा, अगर मैं जीना चाहता है तो तू इस तरह से इसको अगर अपना लेगा तो जी लेगा, जी जाएंगे, बाकी जी बिल्कुल जी जाएंगे। पहले उससे अल्लाह अल्लाह के गुरु जी की फोटो का ध्यान करे, अल्लाह अल्लाह करके ही करे, जब तुझे कुछ अनुभूति हो जाए तो हमारा मन जब ले लेना गुरु जी का। बिल्कुल तो अगर इनकी रिपोर्ट आ जाए तो मैं वो रिपोर्ट भी दिखा दूं उसे, तो उसे और भी विश्वास हो जाएगा। गुरुबान जी आप लोग सेशन पे अपने पापा जी की रिपोर्ट शेयर करने का कोशिश कीजिएगा। जी गुरु भाई जरूर। हाँ आप शेयर करेंगे तो क्या है ना कि एक प्रेरणा मिलती है, ऐसे मैंने तो अपनी रिपोर्ट जग जाहिर कर दी है, ट्विटर पे ला दिया है, मेरी तो रिपोर्ट आश्रम में भी पड़ी है, मोबाइल में भी पड़ी है, जो मांगता है तुरंत भेज देता हूँ मैं। जी मैं शेयर कर दूंगी, ग्रुप में शेयर कर दूंगी, क्योंकि अगर आशीर्वाद देते हैं, मैं उसको कल ही दिखाता हूँ। जी जी मैं शेयर करती हूँ मैं आपको, और पॉजिटिव रिपोर्ट और निगेटिव, मतलब दोनों स्टेज वाली जी, पापा के फोटो के साथ डालिएगा। हाँ ऑब्वियसली मैं आपको शेयर करूंगी। जी जी कीजिए, सेशन शेयर कीजिए, और देखिए अगर पापा के माध्यम से बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलेगी। हाँ जी क्योंकि ये ताजा तरीन अभी ठीक हुए हैं ना, तो ये थोड़ा सा और एक प्रेरणा मिलेगी लोगों को, प्रेरणा इंस्पिरेशन मिलेगा। जी बिल्कुल जी, तो गांठ हो रहा है अभी, ये वो ट्यूमर है, वो ट्यूमर और ठीक हो जाए तो पूरे एकदम नॉर्मल हो जाएगा। जी बिल्कुल वो ठीक हो जाएगा, अब तो 4th स्टेज से 0 स्टेज पे आ गए, तो उसकी क्या औकात है कि वो टिकेगा। ये मेरे लिए ना सीरियसली मेरे लिए भी एक बहुत सडन वो था, मैं तो ये थी कि चौंक गई थी, ये रहा। बाप बहुत बढ़िया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा CT4N2MO 4th A stage IGRT टेक्नोलॉजी से। गुरु भाई दिख रहा है आपको? जी जी दिख रहा है, थोड़ा आप लोग उस पे शेयर कर दीजिएगा जी, व्हाट्सएप हमारे ग्रुप में जो सेशन आता है ना उसमें नंबर है, 2-3 नंबर है, उस पे आप शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे। जी जरूर, तो फिर उसके बाद हम लोग शेयर कर देंगे। जी जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद।
जी, को प्रश्न कोई करना तो कर सकते हैं आप लोगों से। पंकज जी गुरु भाई ने एड्रेस किया हुआ भाई साहब। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव की अनंत कृपा है। आज गुरु बहन का और इनके पिताजी का सुन के तो बड़ा ही मतलब हम नॉर्मल लोगों को भी विश्वास गुरुदेव में और स्थिर होता है और बढ़ता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु बहन, आप आए सेशन में और हम लोगों के साथ अपना व्यक्तिगत बीमारी के बारे में बताया और ठीक होने के बारे में बताया। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि जो रिपोर्ट्स के साथ एक नॉर्मल पेपर पे इंग्लिश में आप समरी बना दीजिए कौन सी डेट को क्या हुआ, और उसकी रिपोर्ट नंबर अगर नंबर पेंसिल से लगा के और वो मैच कर दीजिए कि रिपोर्ट यहाँ पे है। तो तीन कॉलम बन जाएंगे, पहला डेट कॉलम आएगा, दूसरा इंसिडेंट मतलब क्या इंसिडेंट था उस टाइम और रिपोर्ट नंबर क्या था उसका। तो एक बहुत अच्छा इजी टू अंडरस्टैंड चीज बन जाएगी। और चौहान साहब को भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि भाई साहब उनको मंत्र जरूर दे दीजिए कल, अल्लाह अल्लाह जपें कुछ भी जपें पर मंत्र जपना पड़ेगा और मंत्र जपेंगे वो। कहने का मतलब गुरुदेव एक बार स्पीच में कल जाके मैं उनसे बात करता हूँ और पीके सिंह जी से आपसे किसी सीनियर गुरु भाई से और बात कराऊंगा उनकी। पीके सिंह जी भाई साहब से करवा दीजिए वो। मैं तो गाइड करूंगा इनको। मैं तो कहूंगा कि सगुन गुरु बहन या इनके जो ब्रदर है उनसे बात करवाइए आप सीधी, तो वो थोड़ा बहुत अच्छे से बता पाएंगे, उनके जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी वो एक दूसरे को समझा पाएंगे। हाँ जी ये सही रहेगा। गुरु बहन आप हाँ बुद्धि गुरु भाई मेरे पास अवेलेबल है इनके नंबर, मैं इनके भाई के नंबर ले लूंगा दे दूंगा भैया के नंबर शेयर कर दूंगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुबान जी आप लोग सेशन से जुड़ते रहिए, आप हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। गुरुबान हैदराबाद कहाँ से हैं? मैं हैदराबाद में सब मैं बचपन से रह रही हूँ यहाँ पे। दीपाराम जी आइए सामने, आपके लिए बुला रहा हूँ। दीपाराम जी का स्वागत। दीपाराम जी गुरु भाई आपकी डिटेल मैंने गुरु बहन के साथ शेयर कर दी, आप बात कर सकते हैं। मैंने आपके नंबर दे दिए गुरु बहन को। हाँ बिल्कुल, कल उनसे बात हुई थी मेरी, थोड़ी व्हाट्सएप पे बात हुई थी, उन्होंने पूछा वही पूछ रहा तो मैं कौन से एरिया में रहते हैदराबाद में। हमारे साधन सिकंदराबाद। गुरु भाई आप पर्सनली व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर ले इस तरह की पर्सनल डिटेल हम। ओके ओके जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये सुगंध जी, सुगंध जी भाई पूछ रहे हैं आपके फादर गुटखा खाते थे क्या? नहीं मेरे पापा हमारे घर में हम लोग लहसुन प्याज भी नहीं खाते थे, बालाजी की मान्यता थी, तो गुटखा ये सब चीजें तो बहुत दूर की बात है। अच्छा अच्छा। हाँ नहीं, मोस्टली जीभ का कैंसर उन्हीं को होता है ना मोस्टली। अच्छा, डॉक्टर ने पूछा था सेम क्वेश्चन, डॉक्टर ने भी पूछा था क्या आपके पापा गुटखा खाते हैं दारू पीते हैं। मैंने कहा हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाते, तो बोलता ये यो इतना वो, फिर भी इतने अच्छे लोगों को कैसे हो गया। सीरियसली डॉक्टर का ऐसे ही रिएक्शन था। फिर बोलते कि ना मेरे को ये पूछा था डॉक्टर ने एमएनजे हॉस्पिटल में कि आपका कोई भाई या बहन है। मैंने कहा हाँ है, भाई है। क्योंकि फिर उसने बोला कि मैंने कहा क्यों क्या हो गया, तो बोलते कि आपके पापा का ना स्टेज ऐसा है कि क्यूर नहीं हो सकता बट विल ट्राई अवर बेस्ट। तो मैंने कहा प्लीज आप मेरे पापा को ना अपने फादर कंसिडर करके वैसे ट्रीटमेंट दियो। तो बोलते वो कि अम्मा मैं अपने ओर से पूरा ट्राई करूंगा बट क्यूर होना इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। तो जब वो इम्पॉसिबल वर्ड बोला था ना तो मेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक गई थी। मैंने कहा ये क्या बोल दिया। फिर मैं बाहर निकल के डॉक्टर के वहां से घर पर आए, वहीं पर मैं रोना स्टार्ट कर दिया था लेकिन पापा के सामने नहीं। फिर गुरुजी के यहाँ पे हम लोग रोते रहते थे, मैंने मम्मी को बताया, ज्यादा खुल के तो किसी को नहीं बताया था लेकिन ठीक होने के बाद पूरा खुल के बताई बात। पहले किसी से कुछ शेयर नहीं किया था लेकिन भैया को पता था क्योंकि भैया ने जब हॉस्पिटल चेंज किया था ना, किम्स हॉस्पिटल में गए थे, तब वहां पर डॉक्टर ने उनको भी बोला था, खुल के बोल दिया था भैया, भाई से तो खुल के बोला था ना, आप लोगों से छुपाया था। मेरे को और मेरे भैया को क्लियर बात पता थी
फिर मैं भाई ने मेरे को बिठाया और ऐसे ऐसे बोला, मैं फिर शांति से ना एक जगह बैठ के गुरुजी के फोटो सामने और रोते रहती थी। मैं कहा गुरुजी क्या हो गया, सडनली इतनी अच्छी हैप्पी फैमिली थी, हैप्पी फैमिली से सडन ये क्या आपने दे दिया झटका। तो फिर गुरुजी सपने में आके दिखते थे, बोलते थे कि बेटा जाप और ध्यान करो, एक यही मात्र सहारा है तुम्हारे पापा को ठीक करने का, तुम भी करो, अपने पापा को भी करो, अपने पापा से भी करवाओ। फिर मैंने कहा ठीक है गुरुजी। तो मैं शांति से गुरुजी अपने पास नीचे बैठ के हमें भी नीचे बिठा के बोलते थे कि जाप और ध्यान करो, एक यही मात्र सहारा है जीना है। तो हम लोगों ने जाप ध्यान स्टार्ट किया, बहुत सहारा दिया, बहुत ज्यादा। मैं बोल रही हूँ ना, पापा ने गुरुजी का, एक चीज और बोलूंगी, पापा ने गुरुजी का ये जो जाप है ना, जाप किया ही किया मंत्र का, साथ में उन्होंने लिखा नोटबुक में ला के देती थी, पापा नोटबुक में लिखते थे। सर में दर्द स्टार्ट हो गया था, तो फर्स्ट कीमोथेरेपी चढ़ी थी, तो उसमें सर का दर्द गुरुजी ने गायब कर दिया, ठीक कर दिया एक कीमोथेरेपी में। वाह, ठीक होने के बाद हॉस्पिटल में ना 3 दिन रहे हम लोग, 3 दिन ना, दिन में पापा आराम कर रहे थे, आराम तो क्या, उनका कीमोथेरेपी चल रहा था, मैं, मेरी मम्मी, पापा, तो हम भाई तो बाहर बैठता था, मैं, मम्मी थे, तो रात भर मैं जाग, पापा का हाथ पकड़ के जागना और गुरुजी से प्रार्थना करना, गुरुजी देखो, मैं ऐसे हाथ दिखाती थी फोटो को, गुरुजी देखो ये चल रहा है, हम लोग ये तो डिजर्व नहीं करते ना। फिर गुरुजी ने ना बहुत अच्छा किया हमारे, डॉक्टर के तरफ जाने ही नहीं दे रहे थे गुरुजी, एक्चुअली पहले बोल रहे थे कि तुम मेरा ध्यान जाप करो, ध्यान जाप करो, ठीक हो जाओगे। और जो तामसिक शक्तियां थी उन्होंने ना इनको डॉक्टर्स के पास ही नहीं जाने दे रहे थे, डॉक्टर बोले तो ये घर में लड़ाइयां स्टार्ट। फिर बायोप्सी के लिए मैंने कहा बाबा बायोप्सी करा लेते हैं, डॉक्टर ने कहा था कि बायोप्सी कंपल्सरी है, तो एमएनजी हॉस्पिटल में, तो उन्होंने, मैंने कहा मेरे पापा तो बायोप्सी नहीं कराएंगे, तो उन्होंने कहा अम्मा देखो अगर बायोप्सी नहीं हुई तो स्टेज का कैसे पता चलेगा, सो अगर स्टेज का नहीं पता चला तो हम लोग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इलाज कैसे करेंगे। तो मैंने कहा अच्छा, तो एक लेडी बाहर आई थी, उनको ब्रेस्ट कैंसर था, तो मैं मेरे पापा के सामने खड़े हो गई, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, तो एक 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 करके थोड़ा टाइम लग रहा था, पापा नीचे बैठे, वो लेडी जैसे ही बाहर आई ना वो रोने लग गई वो लेडी, क्योंकि उनको पेन हो रहा था बायोप्सी के लिए, ब्रेस्ट कैंसर के लिए, तो वहां से उन्होंने पीस लिया था, उनका सैंपल लिया था, तो पापा रोने लग गए, पापा ऐसे से आपने हाथों को करे, मैंने कहा टेंशन मत करो सब नॉर्मल होगा, तो गए अंदर, गुरुजी का जाप कर, गुरुजी ने ऐसे किया कि अपने तरफ खींच लिया हम लोगों को, नहीं तो नहीं कराते गुरुजी ने बोल रहे, गुरुजी ने मेरे को अंदर घुसा लिया और जब बाहर निकले तब उनको पेन भी नहीं हो रहा था, बाद में ये बहुत झटके लगे। एक गुरुजी ने सपने में आपके आते रह गए जी, सुगन जी आपके सपने में, गुरुदेव आपके सपने में आते थे क्या? हम सबके सपने में आते थे, मेरे, मम्मी के, पापा के, भाई के, हम कृपा रही, मेरे को अभी भी दिखे गुरुजी सपने में, मेरे को बोलते बाला खड़े हो जा, अभी जाप ध्यान का टाइम स्टार्ट हो गया, खड़े हो जाओ, बोले कल की अवतार की जय। बेड के ऊपर भी रखी है पापा के, गुरुजी की, 24 घंटे लैपटॉप में कंटिन्यूसली 24x7 गुरुजी की आवाज चलती है घर के अंदर। लोगों ने कहा लैपी का जो होना है ठीक है, गुरुजी की आवाज चलनी चाहिए 24x7 अब घर में, तो तब से लेके अब तक घर में गुरुजी की चल रही है कंटिन्यूसली। देखो आपको पापा दिखाएंगे, उन्होंने ये नोटबुक पूरी भर दी, अरे बाप, देखो आप ये सारी नोटबुक, बहुत बढ़िया जी, गुरुजी की कृपा है।
मैं तो बोलता हूँ ना गुरु, आपके पापा अभी भी जॉब में है क्या? पापा जॉब में अभी भी? आर्मी में, आर्मी आर्मी अभी भी? अच्छा बोल रहे हैं, अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं सब कुछ मिलके जब अपन इकट्ठे होंगे मिलेंगे तब मैं आप लोगों से सब चीजें शेयर करूंगा। और नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मिलना तो थोड़ा सा लंबा समय हो जाएगा, लेकिन वो क्या है ना कि महीने दो महीने के बाद आपके पापा जी खुद शेयर करेंगे। पापा जी खुद शेयर करेंगे जी, वो खुद अपने मुंह से आपसे बात करना चाहेंगे। अभी तो आप लोग को इशू आ रहा है समझने में, बट सामने से मिलके बात करेंगे तब जब तक मुंह से रोटी नहीं खाने लग जाएंगे ना तब तक बोल रहे हैं। सस्पेंस रखेंगे बोले, थोड़ा सस्पेंस होना भी जरूरी है। गुरुबाद जी मैं गुरुदेव का एक दो लाइन का भजन सुनाना चाहूंगा इस पे, कि जब गुरुदेव मंत्र देते हैं, ज्यादा नहीं सुनाऊंगा, गुरुदेव का जो है कि गुरुदेव जब वो भजन क्या है, अजब शान सा है गजब की खुमारी, प्रभु अपने नाम जो दे दिया है, सिमरन करूं तब से मदहोश हूं मैं, लगता है जैसे अमृत पिया है, अजब शान सा है गजब की खुमारी, प्रभु आपने नाम जो दे दिया है। जय गुरुदेव। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मैं भी। ये हमारे गुरुदेव की कृपा जब हो जाती है साधक पे, तो साधक ऐसे ही गाता है मस्त होकर के जी। एक आज तो आज का सेशन ही आप लोगों के मतलब आपके पापा के नाम समर्पित हो गया एकदम। थैंक यू जय गुरुदेव। पूरा सेशन, आज का पूरा सेशन रिकॉर्ड होकर के देखिए, विश्व के कोने कोने में जाएगा जी। जय गुरुदेव। स्पेशल एपिसोड गुरुबान जी, स्पेशल एपिसोड होगा ये जी, गुरु जी की कृपा है सब। ये स्पेशल एपिसोड है और नए साल में पहला दिन दूसरा दिन दो तारीख को स्पेशल शो हमने एपिसोड हमने टेली रिकॉर्ड किया है जी। गुरुजी की कृपा है, गुरुजी की कृपा है, हम तो कुछ नहीं है, गुरुजी है सब कुछ जी। बाबा दादा गंगाईनाथ और गुरुजी बस, और कुछ नहीं। मेरे को अभी तो गुरुजी ना जब सपने में दिखे ना, गुरुजी मेरे को कहाँ ले गए, दादा गंगाईनाथ की समाधि पे। तो मैंने अब मैंने एक फ्लायर शेयर किया था, तो मैंने कहा गुरुजी ये कैसा बना। सपने में मैं बात कर रही थी गुरुजी से, गुरुजी बोलते बहुत प्यारा है वाला। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, आपको अच्छा लगा? बोलते हाँ मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, मैं और बनाऊंगी आपके लिए। वो बोलते हाँ भला। दिन रात पापा बोल रहे हैं कि जिनको कैंसर है, जिनको कोई भी अनक्योरेबल डिजीज है, वो दिन रात जाप करो, ध्यान करो, विश्वास करो, आस्था और विश्वास, रो, और गुरुजी के सामने रो, रो तो जरूर ठीक हो जाओगे। दो दिन में ठीक हो जाओगे। सच में तो तुरंत इसका तो परिणाम तुरंत मिलता है ना जी, बहुत लगता समय लगता ही नहीं। मैं तो डॉक्टर हनुमान जी का, बाला जी का। हमारे पापा कहाँ कहाँ गए मैं आपको बताऊं, हिमाचल गए, एक डॉक्टर हनुमान है उनके गए, कानपुर में करौली सरकार है उनके गए, और ये एक है ना के नाम है इनको बागेश्वर में गए। सुनकर कि मैं भी आज भाव से भर गया हूँ। अभी मैं वो आप लोगों को भजन सुना ही देता हूँ आज। लेकिन मैं एक बात पक्का बोलूंगा इस वीडियो के माध्यम से ही जी, कि किसी भी जादू टोना वाले के पास या किसी भी आदमी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, सिर्फ एक अपने गुरुजी और दादा गुरुदेव, ये दो है जो सब कुछ पॉसिबल कर सकते हैं।
असंभव को संभव बनाया गुरुदेव ने। देखिए मैं जो भजन एक मिनट बुद्धि प्रकाश जी ने भी एंड्रेज किया है, दीपा राम जी हैं, फिर बुद्धि प्रकाश जी हैं। जी जी बुद्धि प्रकाश जी स्वागत है आपका मंच पे। जय गुरुदेव। मैं तो सुगन गुरुवन और उनके परिवार से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप इस सेशन से जुड़े रहे गुरु भाई। मतलब जो है सुबह सुबह शाम जो है कम से कम ध्यान के लिए तो जुड़े, और जब भी मतलब आप रोज रोज जुड़े, आपको ये जुड़ने के बाद आपको अलग ही जो है आपकी आराधना में और वृद्धि होगी, और आपकी रिपोर्ट्स वगैरह जो है वो जैसा गुरु भाई अनुरोध कर रहे हैं तो वो आप शेयर करें, इससे कई लोगों को जो है वो कई लोगों को मतलब फायदा होगा। बिल्कुल यही प्रार्थना है। जब जुड़ते हैं ना तो हमारे सेशन का मकसद पूरा होता है। बिल्कुल। अच्छा पापा की तरफ से एक रिक्वेस्ट है, जो मंत्र जाप ध्यान नहीं कर पाता है वो बीच में छूट जाता है, तो उसके फैमिली वाले उसको बार बार टोके कि मंत्र जाप ध्यान करो, मंत्र जाप ध्यान करो, मंत्र जाप जो है बहुत बढ़िया लोगों के लिए, आपके पापा का संदेश है लोगों के लिए। बिल्कुल दीपाराम जी आपका स्वागत है। जी बोलिए गुरु भाई जी, आप बोलते रहिए। मैं जो कह रहा हूँ उस आदमी नहीं जगह, उस आदमी को टिकने नहीं देना, उसको बार बार छेड़ते रहना है, मंत्र जाप ध्यान करो, मंत्र जाप ध्यान करो, जो भी बीमारी से ग्रस्त है ठीक हो जाएगी। वही शेयर कर रहे हैं कि शुरू में अजफा ऑटोमेटिक लग गया था, बंद करवा दिया, उससे परेशानी आई, बीमारी आई, गुरुजी ने बोला जितना घूमना है घूम लो, आखिरी में मेरे पास ही आके ठीक हो गए तुम। दीपाराम जी आपका स्वागत है, आपने एंड्रेज किया हुआ है। नहीं नहीं मैं वही पूछ रहा था, गुरु बैंक का वो एड्रेस पूछ रहा था, हैदराबाद से कहां से है वो पूछ दिया, बस उतना ही पूछना था। मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी गुरु भाई। आपके हैदराबाद में आप भी रहते हैं दीपाराम जी भी? जी मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी गुरु भाई। ओके ओके जय गुरुदेव। और कोई साधक कुछ शेयर करना चाहते हैं तो करें, नहीं तो मैं आज अजब सा नशा वाला भजन सुनाता हूँ आप लोगों को। रामलाल जी भाई साहब हैं। रामलाल जी गुरु भाई जी का स्वागत है जी। सबको बहुत बहुत जय गुरुदेव। ये पूरा एपिसोड देखने के बाद में एक विषय मुझे बहुत अदर से समझ में आया है कि गुरुदेव के मंत्र जप और ध्यान से जो मेडिकल साइंस ने इनक्यूरेबल कहा वो ठीक होता है। मैं स्पेशली जो सगुन बहन है और इनके भैया हैं, भैया क्या करते हैं थोड़ा बताएंगे आप? सगुन गुरु बहन के जो भाई अभी जुड़े थे जी, मैं जी जी, तो मेरा एक ही निवेदन है कि जो आपके परिवार में ये एक सुंदर दिन गुरु कृपा से आपके परिवार के अंदर आपके पिताजी का जो जीवन में एक कष्ट से बाहर गुरुदेव निकाले हैं, ये जो गुरु प्रसाद आपको मिला है और ये जो एक कैंसर की एक ऐसी बीमारी जिससे आप निजात पाए, सब जगह कहिए, इसका प्रचार कीजिए। गुरुदेव ने कहा है कि मेरी गुरु दक्षिणा और कुछ नहीं है, जो मैंने आपको दिया वो सबको बताएं, बस सबको बताएं, इतना निवेदन है गुरु भाई। और मीडिया पर आप स्पेशली जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको दीजिए, और क्योंकि इससे बहुत लोगों को फायदा होगा और उनका जीवन बच जाएगा, ये सबसे बड़ी मानव जाति के लिए सेवा होगी। जय गुरु, धन्यवाद आपको। जी गुरु भाई जी, सेशन का समय हो चुका है,